अस्सलाम वालेकुम फ्रेगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट फिक्सेटिव। आई एम श्योर आप लोगों ने फिक्सेटिव के बारे में सुना होगा इन परफ्यूमरी, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है परफ्यूमरी के अंदर कि फिक्सेटिव नोट्स यार। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ फिक्सेटिव? टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सेटिव, पहले आप इसको यूँ समझें, फिक्सेटिव बेसिकली इज़ लाइक के जो परफ्यूम होता है वो उसकी फॉर्मेशन होती है नोट्स के ऊपर। और तीन किस्म के नोट्स एक परफ्यूम की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं, टॉप नोट्स, हार्ड नोट्स, बेस नोट्स। दीज आर इंडिविजुअल एरोमा ऑयल्स और केमिकल्स लाइक रोज़ हो गया, संदल हो गया, वेटेवर हो गया, फ्लोरल कंपोनेंट हो गए या स्पाइसेस हो गए, तो इन सब को बेसिकली नोट्स कहा जाता है। और टॉप नोट्स, हार्ड नोट्स और बेस नोट्स को मर्ज करने के लिए, जोड़ने के लिए और इन्हेंस करने के लिए फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल होता है। तो फिक्सेटिव है क्या? फिक्सेटिव्स आर मेनली इन नेचुरल परफ्यूमरी, इट्स मेनली डियर मस्क। डियर मस्क यानी हिरन की नाप में से जो क्या कहते हैं मुश्क निकलती है, उसको मैसेरेट कर लेते हैं या टिंचर कर लेते हैं, तो वो मस्क जो है बेसिकली जब आप अपने परफ्यूम ब्लेंड में डालते हैं तो वो उस कॉम्बिनेशन को या उस ब्लेंड को मर्ज कर देती है, यानी उसको एक कर देती है और उसके बाद उसको इन्हेंस कर देती है क्योंकि उसका करेक्टर ऐसा है। अच्छा, मस्क के अलावा आप इस फिक्सेटिव्स के अंदर कैस्टोरियम का भी इस्तेमाल होता है। कैस्टोरियम जो है बेसिकली बीवर एक जानवर है, वो उसका ग्लैंड है। सिविट का भी इस्तेमाल होता है और इसके बाद एम्बरग्री का भी इस्तेमाल होता है जो वेल वॉमिट में से निकलती है। सो दीज आर बेसिकली दोज कॉम्पोनेंट जो टू फिक्स डाउन अ ब्लेंड और टू इन्हेंस अ परफ्यूम, फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल होता है ताकि वो स्किन के ऊपर ज़्यादा देर तक लास्ट कर सकें और वो एक बूके बन जाएं। यानी जो नोट्स के साथ आपने प्ले किया है वो सब मर्ज हो जाएं और उसकी खुशबू एक हो जाए और फिर उसकी लास्टिंग यानी जो इवेपोरेशन है स्किन के ऊपर वो ठहर जाए, वो रहे। अच्छा, इन सिंथेटिक परफ्यूमरी या कमर्शियल परफ्यूमरी मस्क का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली जिस चीज़ों का नाम मैंने आपसे लिया है ये बहुत ज़्यादा रेयर हैं और महंगी हैं और बड़ी लिमिटेड होती हैं। तो उन्होंने बेसिकली कमर्शियल हाउसेस ने या केमिकल कंपनीज ने इनके सब्सिट्यूट जो हैं तैयार किए हुए हैं जिनको आम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बॉडी मस्क कहा जाता है। वाइट कलर का ग्लूई से मस्क होता है जो बेसिकली बॉडी मस्क होता है। ये ज़्यादातर नाइट्रो मस्क कही जाती हैं जिनमें मस्क ज़ाइलोन, मस्क कीटोन और इसके अलावा मस्क एम्ब्रेड जो एक फ्लावर के सीड्स के अंदर से एक्वायर होता है, देन मस्कोन, सिविटोन, सो ये लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। इस तरह के बहुत से सिंथेटिक केमिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो उन्होंने क्रिएट किए हैं और उनका कहना है कि इट इज़ टू डिपेक्ट ओरिजिनल डियर मस्क और मे बी सिविट और कैस्टोरियम, लेकिन उसके अंदर फीकल नोट्स नहीं होते। लेकिन एज़ पर एज़ जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने ये सिंथेटिक मस्क स्निफ किए हुए हैं, दे आर नॉट इवन क्लोज टू द नेचुरल वंस क्योंकि नेचुरल्स का अरोमा जो है वो बड़ा मल्टी डायमेंशनल होता है और ये जो बॉडी मस्क हैं या ये जो वाइट मस्क हैं ये बेसिकली सिर्फ क्या कहते हैं एक सिंथेटिक अरोमा है और एक ग्लूई सा क्या कहते हैं सब्सटेंस है जो आपके ब्लेंड के अंदर एज अ फिक्सेटिव तो काम देता है, यानी वो होल्ड कर लेता है, बड़ा ग्लूई सा होता है। और ज़्यादातर ये जितने सिंथेटिक मस्क हैं ये बेसिकली क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म के अंदर मिलते हैं जिसको जो परफ्यूमर्स हैं वो DPG ऑयल के अंदर मैसेरेट कर लेते हैं एज़ पर एज़ देयर यूजेज, उसको मैसेरेट कर लेते हैं और वो मैसेरेशन के बाद एक ग्लूई सा सब्सटेंस बन जाता है, फिर वो उसको अपने हिसाब से अपने ब्लेंड्स के अंदर यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है, अगर आप लोग सर्च आउट करें कि ये जो सिंथेटिक मस्क फिक्सेटिव्स हैं दे आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एट ऑल, स्किन के लिए भी अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक होते हैं। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था अबाउट फिक्सेटिव, आई थॉट मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, आई होप आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामुअलैकुम।